अनुप कुमार अनुप का नाम बोलो ना चौधरी जो अंतिम व्यक्ति जो आयुष्मान कार्ड इसकी शुरुआत आज की है 1,80,000 का आज 62 कार्डों का हम वितरण किया है। जैसे जैसे कार्ड बनेंगे हम लोगों को वितरित करते हैं। और ये जो आयुष्मान कार्ड है ये गरीब आदमियों के बहुत काम आएंगे क्योंकि ये 5 लाख तक का अपना पूरा योगदान उनको इससे आर्थिक तौर पर मिलेगा। मैं कहता हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने को लेकर आज पूरे प्रदेश भर में करीब 10 लाख चिरायु हेल्थ कार्ड वितरित करने का लक्ष्य रखते हुए वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के प्रत्येक जिले को संबोधित किया। इस मौके पर जहां केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जिले के सिविल अस्पताल में पहुंचकर कार्ड वितरित किए, वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में मुख्यमंत्री का संबोधन सुना और हेल्थ कार्ड वितरित किए। वहीं इस अवसर पर जिला सिविल अस्पताल में संबोधित करते हुए केंद्र राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना चाहती है और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की नीति साफ है, शिक्षा और चिकित्सा को लेकर हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज हरियाणा सरकार द्वारा करीब 10 लाख चिरायु कार्ड पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर वितरित किए जा रहे हैं जो कि 1,80,000 से कम आय के लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में सीधा लाभ पहुंचाएंगे। इस कार्ड के माध्यम से लोग 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करवा सकेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा इस योजना के माध्यम से अब गरीब आदमी भी चिकित्सा मुफ्त में पा सकेगा। देखिए आप सब जानते हैं कि आपके आशीर्वाद से देश में मोदी जी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी दोनों कुर्सियों पर विराजमान हुए और पहला वाक्य दोनों का एक था कि हमारी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। मोदी जी और मनोहर जी की हर योजना में आप देखेंगे गरीब सबसे पहले दिखाई देता है और पंडित दीनदयाल जी का वो सपना अंतोदय का कि समाज के अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान में खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान करना, उनको आगे लाना। साल में हमारे उन परिवारों को जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है यानी कि 15,000 से कम है उनको साल में 5 लाख का मुफ्त में इलाज मिले, ये भी पहली बार व्यवस्था मोदी जी और मैं बधाई देना चाहूंगा हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिन्होंने इसमें सीमा को बढ़ाया। पहले बीपीएल की सीमा क्या थी, जिनकी आमदनी 1,20,000 थी वो बीपीएल परिवार कहलाते थे, लेकिन मनोहर जी ने उस सीमा को बढ़ा दिया, बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़ेगी। फिर हमारे विरोधी ये कहेंगे कि आपकी सरकार में तो बीपीएल बढ़ रहे हैं, ये नहीं देखेंगे कि हमने उनकी राशि बढ़ा दी है। इसीलिए जब 1,20 से 1,80 लेके जाएंगे तो बीपीएल परिवार बढ़ेंगे या कम होंगे बताइए आप। वो कहेंगे तुम्हारे राज में तो बीपीएल बढ़ गए, अरे बढ़े नहीं, हमने हर उस व्यक्ति की चिंता की है जिसकी आमदनी 1,80,000, इसलिए हमने उसकी सीमा बीपीएल परिवार में वो लोग भी आएंगे जिनकी आमदनी 1,80,000 है और 1 जनवरी से उनको घर में से ये पीला कार्ड गरीबी की रेखा से नीचे वाला कार्ड उनके घर पहुंच जाएगा जो ये लिस्ट बन रही है। मैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि अंत्योदय जो अंतिम व्यक्ति जो आयुष्मान कार्ड इसकी शुरुआत आज की है 1,80,000 का आज 62 कार्डों का हम वितरण किया है। जैसे जैसे कार्ड बनेंगे हम लोगों को वितरित करते हैं। जो उनका स्वास्थ्य है स्वास्थ्य सेवा जो लेंगे उनको भी लाभ मिलेगा और जो आने वाले समय में जो 1,80,000 करो उनका भी आयुष्मान कार्ड बढ़ेगा और इससे स्वास्थ्य का चेकअप भी चालू होगा। हर आदमी अब 7 तक की बीमारी का चेकअप भी अभी जीके में चालू है। आने वाले समय में सेक्टर 3 की डिस्पेंसरी से भी शुरुआत होने वाली है, इसका सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे और ये आने वाले समय में कोई आदमी बीमार हो जाता है जैसे भी जैसे के लिए भागता है और इसके साथ साथ अपनी बीमारी का इलाज कर परिवार कराएगा
और जो राशन कार्ड की बार बार डिमांड होती है वो कार्ड मिले और राशन कार्ड कर के 1,80,000 जाते हैं ऑटोमेटिकली उसका बनेगा कि इससे फैमिली आई कार्ड से सबको लाभ है। सर इसके अंदर जो आय की मिनिमम योग्यता रखी है वो ये 1,80,000 से कम वाले जो भी हैं वो सब इसमें हो और वो जो भी फैमिली आई कार्ड होगा उससे ही जानकारी बल्लन से 42,000 के आसपास बल्लन में 42,000 के आसपास आयुष्मान कार्ड बने। आज हमारे मंत्री जी माननीय मूलचंद शर्मा जी प्रोग्राम बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का था और उनके आदेश थे कि आज ये जो आयुष्मान के कार्ड है चिरायु के नाम से कुछ लोगों को और ये नई योजना का लाभ दिया है कि जिनकी आयु 1,80,000 सालाना से कम है उन परिवारों के लिए भी ये 5,00,000 की सुविधा आयुष्मान कार्ड का आज वितरण भी किया गया है। ये चल रहा है लगातार हम नए बना रहे हैं और उनको बांटते जा रहे हैं जिससे ये सभी लोग जो इस आयु वर्ग के हैं जो इस आय वर्ग के हैं इसका लाभ उठा सके। इसके साथ ही और सरकार ने साथ में एक स्कीम और लागू कर रखी है कि जितने भी ये आयुष्मान कार्ड धारक हैं ये अपना मुफ्त सरकारी अस्पताल में चेकअप करा सकते हैं उसका लाभ उठा सकते हैं जिससे किसी भी बीमारी को शुरुआत में ही पकड़ा जा सके और ये बीमारी को बढ़ने से रोका जा सके और इस हरियाणा प्रदेश को बिल्कुल स्वस्थ किया जा सके। ये हमें हरियाणा सरकार से मिला है इससे हम 5,00,000 तक फ्री में बिल्कुल किसी भी हॉस्पिटल में जो भी उसमें लिस्ट में है उसमें जांच करा सकते हैं अपने ये कार्ड मिलेगा। हमें अच्छी योजना ये है क्योंकि जो नहीं करा पाते अपना इलाज उनके लिए बहुत ही मदद साबित होगा क्योंकि कई लोग होते हैं जो नहीं करा पा रहे उस बीमारी से मतलब उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत अच्छा कर रही है सरकार अभी हमें बिल्कुल भीड़ में ज़्यादा लगने में बड़ा सबसे आगे बैठा के दे दिया ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती ना करप्शन हो रहा है इतना ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है आज जो गरीब आदमी है वो अपने इलाज कराने में काफ़ी असमर्थ है और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं वो लूट के घर हैं और वहाँ लोगों ये लोग जो इस टाइप के गरीब लोग हैं वो उस हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकते। इसी के मध्य देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लागू किया है और ये जो आयुष्मान कार्ड है ये गरीब आदमियों के बहुत काम आएंगे क्योंकि ये 5,00,000 तक का अपना पूरा योगदान उनको इससे आर्थिक तौर पर मिलेगा। मैं कहता हूँ कि मैं धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का।